दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको बताने वाले हैं टाटा ड्यूरासाइन कंपनी की प्रोफाइल सीट के रेट के बारे में और क्या साइज में ये सीट आती है, थिकनेस कितनी होती है, कलर कौन कौन से हैं और ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, ताकि हमारे जो भाई हैं जो सीट लगाना चाहते हैं, सीट खरीदना चाहते हैं, उनको मालूम हो सके कि सीट के साइज क्या होते हैं, थिकनेस क्या होती है, बिजनर कितना होता है और मूल्य कितना होता है। क्योंकि आप जब सीट का काम करते हैं तो सीट लेने जाते हैं डीलर के पास, तो आपको डीलर जो है वो सही से राय नहीं देते हैं या आपका जो फैब्रिकेटर है वो सही से गाइड नहीं करता है। तो आप काम करवाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको भी ज्ञान हो सके कि जो सीट होती है वो किन किन साइजों में हमें मिलती है और हम जो रूफिंग वर्क करते हैं उसमें जो एक्सेसरीज यूज़ की जाती है वो कौन कौन सी होती है, तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। मेरा नाम है अमन और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर तहसील नादौन से। तो साथियों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम घर के ऊपर टीन शेड का काम करवाने के बारे में प्लान बनाते हैं तो बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं, कौन सी चादर लगाएं, कौन सी बढ़िया होगी जिसकी लाइफ अच्छी हो और जिसका रंग जो है वो फेड ना हो। मेन चीज़ होती है HR कॉइल, यहाँ पे टॉपिक आता है HR कॉइल का। आपको मार्केट में लोकल सीट भी मिल जाएगी, लोकल सीट का जो प्राइस होता है वो टाटा कंपनी की सीट के अकॉर्डिंग कम होता है, बट उसमें आप मटेरियल भी देखिए ना, कई लोग बोलते हैं, कस्टमर डीलर बोलते हैं कस्टमर को कि इसमें एल्युमिनियम ज़्यादा होता है और ये हमारी ख़राब नहीं होती। जब लेमिनेशन पेपर निकाला जाता है तो उस टाइम ये पेंट जो है पेंट साथ में ही निकल जाता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनको यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई हमने 210 सीट इंस्टॉल की है, बाद में जब हमने सीट इंस्टॉलेशन के बाद लेमिनेशन पेपर निकाला तो पेंट भी साथ में निकल जा रहा था। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्तों, कभी भी कोई भी मटेरियल आपने लेना है तो उस मटेरियल के बारे में पहले जान लें क्या चीज़ है ये, क्या साइज होता है, थिकनेस कौन सी बढ़िया कंपनी की है, तब उस प्रोडक्ट के बारे में जाएं। कभी भी फैब्रिकेटर को साथ में लेके ना जाएं, कोई भी सामान खरीदना हो खुद जाएं, धोखे से बचें और अपना सामान खुद खरीदें, खुद अपने सामान की पहचान करें। तो आपको हम अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे टाटा ब्लू स्कोप स्टील की कंपनी की तरफ से जो शीट है हमारे पास, इसकी हम जांच भी कैसे करेंगे, अगर हम देखेंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्ल ग्रीन कलर है हमारे पास, ये वाला देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर है, बहुत ही शानदार कलर, यहाँ पे फिर से पर्ल ग्रीन कलर आ गया और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग स्मार्ट ग्रे कलर, लेटेस्ट कलर है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऐसे कलर और भी हैं जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा प्रोफाइल सीट जो होती है, इसमें जो मेन HR कॉइल होती है दोस्तों, यही मेन होती है। तो इसमें HR कॉइल का मेन काम होता है, अगर हमारी HR कॉइल जो है वो सही नहीं होगी तो हमारे पेंट की क्वालिटी और सीट की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसे हम लोग PPGL कॉइल भी बोलते हैं, प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड कोटिंग इसके ऊपर की होती है, जो HR कॉइल होती है इसके ऊपर PPGL कोटिंग की होती है, मतलब प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड कोटिंग की होती है। और दोस्तों इसमें एक और आपको मैं बता दूं, ये सीट जो है वो 100% जिंक एल्युमिनियम कोटिंग के साथ आती है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि जो हम सीट खरीद रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की गई है, तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोफाइल सीट है हमने डीलर से ली है, लगानी है और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बाद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। घर का काम है, बार बार होता नहीं है, जो आपने एक बार अपनी जमा पूंजी अपने वर्क के ऊपर लगा दी, घर के ऊपर टीन सेट के लिए लगा दी, अगर बाद में उसमें कोई नुकसान हो गया तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ये हमारे पास टाटा ब्लू स्कोप स्टील की कंपनी की जो सीट्स हैं, तो इनके जो मैं रेट बताऊंगा आपको वो मैं बताऊंगा कंपनी की रेट लिस्ट के अनुसार। ये डिपेंड करता है कि डीलर आपको कितने परसेंट लेस देते हैं, और जो हम आपको रेट बता रहे हैं 12 फीट की सीट का, वो 2502 रुपये टाटा ड्यूरासाइन कंपनी की 0.647 सीट का रेट है, 0.47 mm सीट का रेट है 2502 रुपये। डिपेंड करता है डीलर के ऊपर कि आपको कितने परसेंट लेस देते हैं आपको। अब मैं बताता हूँ, ये जो हम सीट आपको रेट बताया है 2502 रुपये, इसके बाद डीलर आपको 3% दे लेस, या 4% दे, या 5% दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे 10 फुट की सीट की, जो 10 फुट की सीट है वो 2058 रुपये की है, और जो 8 फीट की सीट है वो 1650 रुपये की है। अब चलिए आपको ले चलता हूँ दूसरी साइड,
एक और चीज आपको दिखा देता हूँ पहले मैं, यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट पैन है, टाटा ब्लू स्कोप स्टील कंपनी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला गया है। इसे आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी प्रोफाइल सीट की जो लाइफ है वो सालों साल बढ़ती रहेगी, क्योंकि इससे हम जो इंस्टॉल करते हैं तो इसे वेल्डिंग नहीं करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन जो की जाती है वो स्क्रू की सहायता से की जाती है। और ये हमारा जो है AZ150 मटेरियल है। आइए आपको दूसरी साइड ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक्सेसरीज क्या क्या होती है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने भी ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारी सीट अच्छी होगी तो नीचे का स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, तभी हमारी सीट की लाइफ बढ़ेगी। अगर हम सीट अच्छी लगा लेंगे और स्ट्रक्चर सही नहीं लगाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो रूफ सेट में यूज़ होने वाली एक्सेसरीज़ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको, कौन कौन सी एक्सेसरीज होती है और साइज़ क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिज है, टाटा कंपनी की तरफ से जो रिज बनाए जाते हैं वो इस टाइप के बनाए जाते हैं, ये देखिए। और जो लोकल रिज होते हैं, लोकल रिज ये होते हैं, ये देखिए इसका सेंटर से बिल्कुल वी शेप है, और ये टाटा कंपनी का जो रिज है ये बीच से गोलाकार है। यही डिफरेंस होता है दोस्तों बढ़िया क्वालिटी और देसी मटेरियल में। ये देखिए यहाँ पे जो इसका फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं आप लोग कितनी शानदार है, और यहाँ पे देखिए ये कितना हार्ड है, ये देखिए। तो जब इसे हम जोर से प्रेस करेंगे तो ये बीच से फट भी जाते हैं। तो ध्यान देना है, कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप सोचेंगे कि डीलर आपको बोल रहा है कि इसका रेट जो है 800 रुपये या दूसरे का 1200 रुपये, तो आपने इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, आपने वही करना है जो सही हो। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे पास दो कलर हैं, देख सकते हैं ब्लू कलर और पर्ल ग्रीन कलर। अब इसके बाद बात आती है गटर की, तो यह देख सकते हैं हमारे पास भी दो टाइप के गटर होते हैं। एक ये देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से बनाया होता है गटर, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका साइज भी 5 इंच बाई 5 इंच होता है। और एक गटर हमारे पास ये है यूरोगार्ड कंपनी का, दी बेस्ट गटर। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो वारंटी है वो 10 साल की है, 25 साल की इसकी लाइफ है। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, अब मैं आपको इसके साइज के बारे में बता देता हूँ। इसका साइज होता है 10 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ऑल टाटा कंपनी के जितने भी रिज आएंगे आपको तो इसी शेप में मिलेंगे। आपने जो भी रिज यूज़ करना है बस यही शेप का करना है। अब आपको मैं थोड़ा और यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लोकल कंपनी की सीट्स भी हैं, बट मैं इनकी तरफ आपको लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपने जो काम करना है वो बेस्ट काम करना है। तो अगर आप अनदर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ सवाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपको मालूम है वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो आज हम आए थे जैन सन्स कंस्ट्रक्शन एंड हार्डवेयर बुडोली में, तो यहाँ पे नवीन भाई जी हैं, तो इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। अगर आप लोगों ने सीट लेनी हो तो सीट से संबंधित आपने कोई जानकारी लेनी हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा MS जो पाइप से पड़े हुए हैं एंगल है, इसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाली है। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि कि वो भी धोखे से बच सकें और अच्छे मटेरियल का चुनाव कर सकें। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम सीट की पहचान कैसे कर सकते हैं, धोखे से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी ने सीट के लेमिनेशन के ऊपर बारकोड स्कैनर दिया हुआ है, इसके द्वारा आप प्रोडक्ट की फुली डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और कंपनी की साइट के ऊपर जाके इसे आप चेक कर सकते हैं। ये सीट जो है वो आती है हाई स्ट्रेंथ बैटरी परफॉर्मेंस और कूलर इनसाइड के साथ। टाटा ड्यूरेशन देश का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक ध्यान देना है, जब भी आप सीट को इंस्टॉल करें तो लेमिनेशन पेपर को जरूर निकाल देना है, उसके बाद ही आपने सीट को इंस्टॉल करना है, नहीं तो ये लेमिनेशन पेपर जो है वो बाद में नहीं निकलेगा और आपकी जो सीट है वो ख़राब हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे सहयोगी कुमार गौरव जी जो हमारी वीडियो शूट कर रहे थे, इनका भी धन्यवाद। और चलते हैं, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।